हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने एक क्वेश्चन चैलेंज किया था लास्ट लेक्चर में और इस बात का मुझे बहुत दुख है कि बहुत कम बच्चे ना एक्टिव थे। अगर आप लोग समय का सदुपयोग अगर नहीं करते हैं, समय को किल करते जाइएगा, एक दिन समय भी आप लोग किल कर देगा। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि बहुत कम लड़कों ने एक्टिव दिखा और एक्टिव देख करके आंसर दिया, और जो सबसे फर्स्ट आंसर दिया था वो है राज कृति गुप्ता, जिसने सबसे फर्स्ट आंसर दिया है, और जो सेकेंड आंसर दिया है वो आलोक, और जो थर्ड है वो श्रेया घोष। और मैं उस क्वेश्चन का आज आंसर बताने वाला हूं पहले, उसके बाद मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। तो देखिए बच्चों, लास्ट क्लास लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन चैलेंज का क्वेश्चन था वो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बॉइल्स एट 100.01 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ वाटर, जिसका केवी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या बताते हैं कि जब भी कभी सॉल्व करना जब स्टार्ट करिए तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज लिखिए। इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब टीपी दिया हुआ है कितना, तो 100.01 डिग्री सेल्सियस। तो टीबी से हम लोग फर्स्ट क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट, टीबी माइनस टी नॉट बी, यानी 100.01 माइनस 100 डिग्री। अब ये 100 कहां से आ गया, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। जैसे सब्सट्रैक्ट की आ गया 0.01 डिग्री सेल्सियस या 0.01 केल्विन। अब ये हो गया डेल्टा टीबी का। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, 100 ग्राम। कितने ग्राम में, 100 ग्राम। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ना फाइंड आउट कर लेते हैं कि 100 ग्राम में नंबर ऑफ मोल कितना है, किसका, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन द 100 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल या गिवन मास फाइंड आउट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूट। और इफ इट इज ग्राम तो यहां पे हम लोग 1000 पुट। और ये जो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल। इसको हटा करके पुट कर देते हैं नंबर ऑफ मोल, यानी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इनटू एम सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट तो गिवन है, कितना दिन निकालना है हम लोग को, 100 ग्राम में यहां 100 पुट कर देते हैं। और देखिए ये 1000 यहां पुट करना होगा क्योंकि ग्राम में तो दो जीरो कैंसिल हो गए, क्या बच गया, देखिए डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना है 0.01, केवी का वैल्यू कितना 0.5 इनटू एम सॉल्यूट इनटू 10। फाइंड आउट क्या करना है, एम सॉल्यूट, n solute is equal to 0.01 divided by 0.5 into 10। अब जैसे इसको हम लोग नीचे पुट करते हैं 100, ये जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 10, ये 0 0 कैंसिल, क्या बच गया हम लोग के पास, तो 1/500, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1/500, जिसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 0.02 मोल। किसका, सॉल्यूट कौन है, तो ग्लूकोज। कौन, ग्लूकोज, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज हम लोग को फाइंड आउट हो गया कितना है, 0.02 मोल। लेकिन क्वेश्चंस में क्या बोला है निकालने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो, यानी नंबर ऑफ मोल कितना है, तो 0.02 इनटू 6.022 इनटू 10^23। ये डेसिमल हटा देते हैं, 30 कैंसिल, ये 20। अब इसको 2 से इनटू करते हैं तो 12.044 इनटू 10^20 मॉलिक्यूल्स, या इसी को हम लिख सकते हैं 1.204 इंटू 10^21 मॉलिक्यूल। ये आंसर राइट कि हाउ मच मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, तो 1.204 इंटू 10^21 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर।
थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर। जनरल फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग सब जानते हैं कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड ना फ्रीज हो जाता है या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है फ्रीजिंग पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर या इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप लोग नोट डाउन करिए। देखिए बच्चों, इस लेक्चर में ना हम लोग को पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोग बचपन से डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते थे क्या, फ्रीजिंग। द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड इज कन्वर्टेड टू देयर सॉलिड फॉर्म, सच टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ये पहले था बुद्रुक का। अब ना हम लोग को डिसाइड करना है इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर कि वेपर प्रेशर के टर्म में कोई भी लिक्विड फ्रीज कब करेगा। तो हम लोग ना इससे पहले भी 11 में इक्विलिब्रियम में पढ़े थे तो कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, जिस टेम्परेचर में किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों हम लोग को मिल रहा है, उस टेम्परेचर को भी हम लोग क्या बोलते थे। उसी तरह से वेपर प्रेशर को कोरिलेट किया गया कि जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म, मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर होना चाहिए किसके बराबर, तो उसके सॉलिड फॉर्म के बराबर, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं। The temperature at which vapor pressure of any liquids become equal or equilibrium with the vapor pressure of its solid form, such temperature is known as freezing point. मतलब लिक्विड कब फ्रीज करेगा, तो जब उसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब आराम से वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाए। अब इसी को एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं थोड़ा। देखिए जैसे मान लीजिए लिक्विड कंपोनेंट, अब इसके सरफेस पे ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं कि इतना मॉलिक्यूल, और ये जो मॉलिक्यूल है दैट अगर ये क्लोज कंटेनर होगा तो हम क्या सिखाया जाए, क्लोज कंटेनर में हम लोग को ऑब्जर्वेशन होता है ये सब कन्वर्ट होना चाहेगा पेपर स्टेट पे जो सरफेस। अब मान लेते ये जो मॉलिक्यूल है वेपर में कन्वर्ट हो गया क्लोज कंटेनर, और ये ना वेपर प्रेशर लगा रहा है, कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, तो 60, मतलब इट्स वेपर प्रेशर इज ऑलमोस्ट कंसीडर्ड टू बी 60। हम कंसीडरेशन किए कि कितना वेपर प्रेशर है, तो 60। अब इसको गैस में कन्वर्ट नहीं करना है, हमको एटमोस्फेयर के बराबर ले जाना है, तो किसमें कन्वर्ट करना है, सॉलिड, किसमें, सॉलिड। और हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी सॉलिड ना दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू स्केल, जैसे पेन है ये भागना ही नहीं चाहता, इसमें प्रेशर क्यों लगा, यानी इस कंडीशन पे इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, जीरो, कितना, जैसे हम लोग सुगर पार्टिकल को देखते हैं दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू स्केल, वो भागना ही नहीं चाहता, तो उस कंडीशन पे उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, जीरो। हम भी कंसिडर कर लेते हैं कि इस लिक्विड का जो सॉलिड फॉर्म होगा उस वेपर प्रेशर ऑफ जो इसका सॉलिड है वो जीरो, यानी अब इसको ऊपर नहीं जाना है कि एटमॉस्फेयर के बराबर, अब इसको 60 से नीचे आना है, किसके बराबर होना है, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड, और सॉलिड का वेपर प्रेशर कितना है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको ठंडा करना, हम क्या सिखाए थे कि वेपर प्रेशर को अगर बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना, और वेपर प्रेशर को अगर घटाना है तो टेम्परेचर घटाना, क्योंकि वेपर प्रेशर कोरिलेट है किससे, डायरेक्टली कोरिलेट होता है किससे, तो टेम्परेचर। तो हम लोग सिर्फ इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते, धीरे धीरे घटाना स्टार्ट करते, घटाते 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 60 से हम कितना घटाएंगे वो जीरो के बराबर आ जाए, तो घटाते 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 हम लोग 60 डिग्री घटाएंगे, मान लें 60, यानी ये जो हम लोग टेम्परेचर देख रहे हैं इज टी नॉट है, व्हाट इज टी नॉट है,
क्या बताया था कि नॉट कब लगा रहा है, जब वो प्योर कंटेंट होना चाहिए, इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। यानी ये जो 60 वेपर प्रेशर इस लिक्विड का है वो किसके बराबर हो गया, तो इसके सॉलिड के बराबर हो गया। और इस सॉलिड का वेपर प्रेशर कितना है, जीरो। यानी 60 से घटा करके हमको कितना लाना पड़ गया, और इसी टेम्परेचर को हम लोग नाम रखे हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर। तो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड्स बिकम इक्वल और इक्विलिब्रियम विद द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। किसी भी लिक्विड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जब उसके सॉलिड कंपोनेंट के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। यही इसका डेफिनेशन। तो कभी-कभी एग्जाम में डिफाइन करने आता है कि डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर। तो हाउ कैन यू डिफाइन, तो क्या लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, जैसे हम लिख सकते हैं क्या, तो इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम इक्वल या इक्विलिब्रियम विथ वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म, सच टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम लोग वाटर के लिए निकालें 4H2O, तो वाटर के कंडीशन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। यदि एट द 273 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर बिकम्स लिक्विड H2O बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइस। देखिए अब हम लोग को इससे पढ़ना है क्या, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे पहले ना ये वर्ड समझना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे डिप्रेशन का मतलब ही नहीं कोई लड़का डिप्रेशन में चला गया, इसका मतलब ही नहीं। डिप्रेशन का मतलब है डिक्रीज करना, कमी, कि किसी भी लिक्विड का फ्रीजर फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाता है। तो कैसे कम है, कब, जब हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे। क्या डिजोल्व करना है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो पहले इसको नोट डाउन, देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो डिप्रेशन का सिंपल मतलब होता है डिक्रीज करना। यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कोई भी लिक्विड को अगर हमको डिक्रीज करना है, हम लोग क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखते, बहुत कुछ देखते हैं। जैसे कोई आइसक्रीम अगर बेचता है तो देखे होंगे, आइस रखने से पहले, अपना आइस का क्यूब रखने से पहले वो क्या करता है, चारों तरफ नमक छिड़कता है। क्यों, आइस प्लाजा में जो भी हम लोग आइसक्रीम लेकर के निकलते हैं वो जल्दी नहीं पिघलता, 1 मिनट 2 मिनट। लेकिन वही घर में जब हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं, फ्रिज से निकाले और दे स्टार्ट द मेल्टिंग, तो व्हाई शुड इट कैन बी पॉसिबल, कहीं ना कहीं कुछ तो है कि हम लोग को जो पढ़ना होता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर, तो पहले हम लोग ना ये फिगर से समझते, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि एक लिक्विड है या वाटर ही मान लेते हैं, चलिए वाटर, जिसका वेपर प्रेशर हम लोग के पास कितना है, तो 60। और इस वाटर का वेपर प्रेशर जो लिक्विड फॉर्म है उसको सॉलिड फॉर्म में लाना है, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर कितना है, तो 0। यानी इससे 60 डिग्री टेम्परेचर हमको निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते 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 कितना डिग्री टेम्परेचर निकालते हैं, 60, जो क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर प्योर वाटर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना सुगर डिजोल्व कर रहे हैं, इट इज स्टार्ट टू डिजोल्विंग द सुगर पार्टिकल, सुगर डिजोल्व करते हैं, यूरिया, ग्लूकोज डिजोल्व करते हैं, कुछ भी। अब इमेजिन करिए कि ये जो सरफेस पे हम लोग 7 मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इसमें से 2 मॉलिक्यूल सुगर पार्टिकल जाना चाहिए। अब क्या ये जो सुगर पार्टिकल है ये तो एस्केप नहीं करेगा, ये भी सुगर पार्टिकल, इट इज नॉन वॉलेटाइल, तो एस्केप नहीं करेगा। अब यहां पे टोटल कितना मॉलिक्यूल बचा है जो लिक्विड का है, 1 2 3 4 5,
यानी पहले 7 मॉलिक्यूल्स क्रिएट किया था तब वेपर प्रेशर कितना था 60, लेकिन अब तो 5 ही मॉलिक्यूल्स क्रिएट किए, यानी ये जो वेपर प्रेशर 60 था वो घट करके मान लेते हैं कि 40 हो। और ये बात ना हम लोग पहले भी पढ़े थे कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डिक्रीजेस बाय डिसॉल्विंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि हम जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज सॉलिड पार्टिकल ऑक्यूपाई द सम सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सॉलिड क्या करता है सरफेस पे कुछ ना कुछ जगह छेद लेता है, और अगर ये जगह ऑक्यूपाइड कर लिया तो देयर एस्केपिंग टेंडेंसी इज डिक्रीजेस, और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाएगा तो वेपर प्रेशर भी घटेगा। तो 60 से घट करके कितना हो गया 40, लेकिन हमको आना कहां है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड का वेपर प्रेशर कितना है जीरो, यानी अब हमको 40 से स्टार्ट करना है, पर कहां तक जाना है जीरो, कहां तक पहले कहां से स्टार्ट किए थे 60 से, अब कहां से स्टार्ट कर रहे हैं 40 से, और 40 से कितना टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो सिर्फ हमको कितना निकालना पड़ा 40 डिग्री, और ये जो 40 डिग्री टेम्परेचर हम लोग रिलीज किए इट इज कॉल्ड द टीएफ, टीएफ का मतलब हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो प्योर लिक्विड है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 60, और ये जो सॉल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना बच गया 40, तो कितना कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट कैसे पता करें, पहले फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 60, अब फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना बच गया 40, तो हाउ मच फ्रीजिंग पॉइंट दिस डिक्रीजेस हम बता दें कैसे निकाल सकते, तो बड़ा से छोटा को घटा, बड़ा कौन है 60, छोटा कौन है 40, यानी क्या हो गया 20, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा, और इट दिस डेल्टा टीएफ इज कॉल्ड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो कैसे निकालेंगे 60 डिग्री कौन है टी नॉट एफ, यानी टी नॉट एफ माइनस टीएफ इज इक्वल टू डेल्टा, और यही इसका डेफिनेशन है कि फ्रीजिंग पॉइंट कब डिक्रीज करेगा जब हम ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, यानी पहले हम 60 से स्टार्ट किए थे तब हमको भी कहां तक आना है जीरो तक, अब हम 40 से स्टार्ट किए तब हमको कहां तक आना है जीरो तक, इसमें पहले हमको कितना टेम्परेचर घटाना पड़ा 60 डिग्री, अब हमको कितना टेम्परेचर घटाना पड़ा 40, यानी देयर इज ए 20 डिग्री ऑफ डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट चीनी डालने से कितना घट गया तो 20, और इसी को हम लोग नाम रखते हैं क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, जिसका डेफिनेशन इजी है, डिफाइन करना कोई बड़ा बात नहीं, इसका डेफिनेशन है इट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट विद फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये डिफरेंस है किसका, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को घटा देंगे जितना आएगा वही कहलाता है क्या डेल्टा टी। इसे एग्जांपल दे सकता हूं, सपोज करिए कि 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, मान लीजिए 10 फ्लोर है, कोई दो बंदा है ए और बी, अब दोनों में ना कंपटीशंस लगा है कि मार्केट जाना पहले कौन जाए, Which have to start the effort, more effort लगाना है, दोनों को स्टार्ट करना है 10th फ्लोर के छत पे, दोनों को मार्केट जाना, मार्केट जाने के लिए सबसे पहले इसको कहां आना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर, यानी कि छत से ही मार्केट चला जाएगा ऐसा तो है, अब अगर ग्राउंड फ्लोर आना है तो क्या हो सकता है, ए और बी दो बंदा है, ए ना स्टार्ट करता है, अब ए है तो तेजी होगा, बी का मतलब क्या है बोतले होगा, अब ये डायरेक्ट सीढ़ी से स्टार्ट करता है ना सेकंड, पहले 10th फ्लोर पार करेगा फिर 9, 8, 7, 6, ये क्या देखा कि लिफ्ट से डायरेक्टली आ गया, और देखा लिफ्ट कहां तक आ गया ये 4th फ्लोर तक लिफ्ट से आ गया, इसके बाद देखा कि लिफ्ट भीड़ है या जाम हो गया लिफ्ट, तो ये 4th फ्लोर से स्टार्ट किया फुट बाय फुट आना है पैदल, और ये स्टार्टिंग से ही पैदल आ रहा है, तो किसको ज्यादा टाइम, बी को, क्यों, ये ज्यादा एनर्जी किसको लगेगा बी को, क्यों, क्योंकि 10th फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक बाय फुट आ रहा है, लेकिन ये क्या किया 10th फ्लोर से स्टार्ट किया लेकिन किसके थ्रू लिफ्ट के थ्रू, कितना ट्रैवल कर लिया डिस्टेंस 4th फ्लोर तक, कितना
फोर्थ फ्लोर। अब सिर्फ इसको फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आना रह गया, बाकी तो बाकी का ट्रेवल इसकी जगह पे कौन कर दिया, कौन लिफ्ट, कौन कर दिया लिफ्ट। वैसे यहां समझिए कि पहले इसको स्टार्ट कहां से करना था 60, और 60 से कहां तक आना है ग्राउंड फ्लोर तक, कहां तक जीरो तक, जो बेचारा एक एक करके टेम्परेचर को लॉस करते करते यहां तक। लेकिन जैसे ही हम ये चीनी डाले 60 से डायरेक्ट वेपर प्रेशर घट करके आ गया 40। अब इसको 60 से स्टार्ट नहीं करना है, कहां से स्टार्ट करना है 40 से, लेकिन आना तो है ग्राउंड फ्लोर ही कहां तक जीरो। यानी 60 से 40 आने में हेल्प किया कौन, तो ये सुगर पार्टिकल, कौन कर लिया सुगर पार्टिकल। इसमें पहले प्योर कंपोनेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था 60, जो प्योर लिक्विड के बारे में एक्सप्लेन कर, लेकिन जैसे हम ये सुगर पार्टिकल मिला दिए अब हो गया सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कहां हो गया 40, 40 से स्टार्ट करके कहां तक आना है जीरो। अब ये 60 के बारे में सोचना है, यानी 40 से जब जीरो आएंगे हमको कितना टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा 40 डिग्री। इट इज कॉल्ड द टीएफ। व्हाट इज टीएफ? इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज टी नॉट है? इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। क्या हो गया? प्योर लिक्विड। तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज किया, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग देख रहे हैं इनिशियल कितना है 60 और फाइनल कितना है 40, तो 60 माइनस 40। और इट इज द कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि कितना टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, तो जितना भी डिक्रीज करे 1 डिग्री 2 डिग्री आधा डिग्री, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज कॉल्ड डेल्टा टी एफ। इसी को हम लोग वहां डेफिनेशन, तो देखिए इसका ना डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि टी नॉट एफ माइनस टी एफ मतलब क्या हो गया, इट इज द difference in FBT मतलब freezing point, it is the difference between freezing point of pure liquid या pure solvent with freezing point of solution containing non-volatile solvent such difference in freezing point is called delta TF। yani hum kya likh sakte, therefore delta TF is equal to T naught F minus T। what is T naught F? तो हम क्या बताएंगे, नॉट लग गया मतलब ये ब्रेन में रखना है कि इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। व्हाट इज टीएफ? इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल। और ये देखिए आजकल का मॉडर्न डेफिनेशन है, जो थ्योरेटिकली नहीं मैथमेटिकली होता है, मतलब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल जो फॉर्मूला आया बस उसी को स्टेटमेंट में लिख देना, इसलिए इसमें ज्यादा रटना नहीं होता। जो फॉर्मूला हमको दिखा टी नॉट एफ माइनस टी एफ, जैसे यहां पे हम लोग निकाले थे टी नॉट एफ माइनस टी एफ, बस डायरेक्ट उसको एक्सप्लेन कर दिए, एकदम राइट और फुल मार्क्स। अगर इसी को हम कंसेप्चुअल वे में डिफाइन करें तो थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये भी याद रखना आपके लिए नेसेसिटी होता है जो मेडिकल सब देना था। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर स्टेट में था That's vapor pressure is decreases, and this decrease in vapor pressure always have to release less amount of energy to become equal with the vapor pressure of solid. Such decrease in freezing point of solution is called depression in freezing point. मतलब ये जो vapor pressure decrease हो गया, इसके चलते freezing point क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि हमको इसके बराबर पहुंचना था vapor pressure of solid। 60 के बजाय आप कहां से स्टार्ट किए 40, हमको 40 टेम्परेचर को रिलीज कराना पड़ा। क्या कराना पड़ा? रिलीज। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन। और ना यहां पे एक प्रॉब्लम फिर हम लोग को आ गया, हमको कैसे पता चलेगा कि डेल्टा टीएफ ना डिपेंड किस पे करता है? व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ डेल्टा टीएफ, या हाउ कैन यू जस्टिफाई कि डेल्टा टीएफ इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव है कैसे पता? थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट फिर करते हैं हम लोग।
देखिए एक्सपेरिमेंटल से सबसे इजी तरीका होता है, जैसे सपोज करिए हम लोग ना 2 ग्राम जब सुगर डिसॉल्व किए तब वेपर प्रेशर 60 से घट के 40 हो गया, और 40 से आना कहां तक था, 0। देखिए अब क्या करते हैं, 2 ग्राम और सुगर डिसॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे ही 2 ग्राम और डिसॉल्व किए, मान लेते यहां पे सुगर पार्टिकल्स आ गए, एक ही पार्टिकल से लिए थे, अब इसका जो 40 का वेपर प्रेशर अब तो और घट जाएगा, क्योंकि पहले यहां पे सरफेस पे लिक्विड का कितना मॉलिक्यूल था, 5, अब तो घट करके 4 ही बचा, 1, 2, 3, 4, यानी एस्केपिंग टेंडेंसी और डिक्रीज कर गया, तो ये जो वेपर प्रेशर 40 था वो और घट करके पहुंच गया 30। कहां पहुंच गए 30। अब हमको 40 से स्टार्ट नहीं करना है, कहां से स्टार्ट करना है 30 से, लेकिन जाना तो फिक्स है, कहां तक जाना है हमको, 0 तक, वो किसके बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। अब सवाल है कि सर सॉलिड का हमेशा 0 ही, लेकिन नहीं, ये हम लोग कंसीडर किए समझने के लिए, एक्सपेरिमेंटल समझने के लिए। जैसे जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड होगा उसके लिए 0 लेना है, लेकिन जो वॉलेटाइल है जैसे कपूर है उसमें कुछ तो होगा, लेकिन ये लिक्विड से सॉलिड का हमेशा क्या होता है, कम। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस्केपिंग टेंडेंसी, और सॉलिड का एस्केपिंग टेंडेंसी कम होता है। क्या बताए थे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है विद द ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर फोर्स इतना ज्यादा है दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू एस्केप, वो एस्केप ही नहीं करना चाहता। अब जब एस्केप ही नहीं करेगा तो सॉलिड का वेपर प्रेशर हमेशा, लेकिन हम लोग नॉन वॉलेटाइल कंसीडर केसेस को क्या मान के चल रहे हैं, तो हमको अब 30 से स्टार्ट करना है, लेकिन आना कहां तक है, 0 तक, तो फिर इसका टेंपरेचर घटाएंगे, घटाते 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 0 पॉइंट। अब हमको कितना घटाना पड़ा, 30। देखिए पहले जब कुछ नहीं था, प्योर स्टेट पे था, तो हमको कितना घटाना पड़ा, 60। जब हम थोड़ा सा चीनी मिलाए तो कितना घटाना पड़ा, 40। और चीनी मिला दिए तो कितना घटाना पड़ा, 30। यानी जैसे जैसे हम ये सुगर का पार्टिकल अमाउंट बढ़ाते जा रहे, वैसे वैसे ये जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होते जा रहा है। कौन डिक्रीज कर रहा, वेपर, और जैसे जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट भी लेके कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, पहले 60 का फिर 40, यानी ये जो डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट है वो किससे रिलेट कर रहा है, कोरिलेट है किससे, तो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, और ये जो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर है वो किससे कोरिलेट कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ सॉलिड से, यानी डेल्टा टीएफ डिपेंड कर रहा है किस पे, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है किस पे, तो अमाउंट ऑफ सॉलिड, किस पे, अमाउंट ऑफ सॉलिड। यानी हम क्या लिख सकते हैं, बताए कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, इसको डेल्टा पी होता है, और ये जो डेल्टा पी है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, अमाउंट ऑफ सॉलिड। इसी से हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन, इसका क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन, और ये इसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कहा जाता है, कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो बाय डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और जो चीज ना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है उसी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कभी कभी ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो लिखना पड़ेगा बिकॉज डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बाय डिसॉल्विंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। दैट मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा, तब हम इसको बोल सकते हैं क्या, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर इसका डिटर्मिनेशन पढ़ते, देखिए हम लोगों ने डिटर्मिनेशन करना है या डिपेंडेंस कि डेल्टा टीएफ किस पे डिपेंड करता है, तभी हम लोग जस्ट पढ़े थे एक्सपेरिमेंटली ना ऑब्जर्वेशन किए कि डेल्टा टीएफ ना डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट, और ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होता है इसको डेल्टा पी होता है,
और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में। यानी कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किए उसके अकॉर्डिंगली वेपर प्रेशर घटेगा, और जितना वेपर प्रेशर घटेगा उसके अकॉर्डिंगली फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है डिक्रीज। ऐसा नहीं कि एक ग्लास पानी ले उसमें 10 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो सेम वेपर प्रेशर घटेगा जब एक ड्राम पानी लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक ग्लास में नंबर ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस डिफरेंट होगा, और एक ड्राम पानी लेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस डिफरेंट होगा। यानी कितने सॉल्वेंट में हम जितना सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो सिर्फ किसको घटाता है, वेपर प्रेशर। किसको, वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर घटने के चलते कौन डिक्रीज कर जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तब हम बोल सकते हैं कि डेल्टा टीएफ इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन से आएगा व्हाई इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव किसको बोलते हैं, क्या बताया, देखिए दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। वैसे यहां पे डेल्टा टीएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। लेकिन ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यानी जितना ज्यादा हम सॉल्यूट डिपेंड करेंगे डिसॉल्व करेंगे उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है उतना डेल्टा टीएफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे कभी डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा है। डेल्टा टीएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर कौन रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट। तब हम लिख सकते हैं देयरफॉर कि डेल्टा टीएफ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट की जगह मोल लेते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट। और जब हम सॉल्वेंट का बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट किससे निकालते हैं, मोलैलिटी। और अगर डेल्टा टीएफ मोलैलिटी यानी स्मॉल एम पे डिपेंड कर रहा है, और अब क्या बता देंगे, व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे तब हम लोग को एक कॉन्स्टेंट पुट करना पड़ता है, क्या, के। वैसे ही जैसे कि डेल्टा टीएफ is equal to k into n, और हम लोग ना elevation in boiling point में भी constant put किया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो constant है वो freezing point है। इसे याद करिए कि boiling point में put किए थे kb, क्या kb, जिसका नाम था ebullioscopic constant, और यहाँ पे put करेंगे kf, क्या kf, जिसका नाम क्या होता है। तो हम क्या बताए थे, एक तो हम लिख सकते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि डेल्टा टीएफ क्या है, तो डिप्रेशन कांस्टेंट, और वो किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैलिटी, तो नाम होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसी का हम बताए थे चाइनीज नाम भी, ऐसे चाइना सबको डर लगता है तो नाम तो याद रखना पड़ेगा, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, क्या, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ये भी इसका फॉर्मूला होगा। यानी जहां पे डेल्टा टीएफ क्या है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एम क्या है, व्हाट इज एम, तो इट इज द मोलैलिटी, और व्हाट इज केएफ, केएफ इज ए कांस्टेंट, और जिस कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी का हम बताए दूसरा नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब हम क्या बता दें कि जब कभी भी कोई कांस्टेंट आ जाए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो उसको भी डिफाइन करने आता है एग्जाम में, व्हाट इज केएफ। तो अब बता दें एक सिंपल सा ट्रिक कि अगर हमको किसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो उसके साथ का जो टर्म है ना उसको वन कंसिडर, और जैसे हम इसको वन कंसीडर करेंगे तो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, यही इसका डेफिनेशन होगा। व्हाट,
इट इज ए कॉन्स्टेंट दैट इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये वो कॉन्स्टेंट है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होगा, और कब, जब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, वन, कितना होना चाहिए वन, और मोलैलिटी वन कब होता है, जब हम क्या बता रहे कि वन मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द वन केजी ऑफ सॉल्ट, तो इसका भी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट को कैसे डिफाइन करना है, तो हम क्या बताए एकदम सिंपल थे कि इफ एम इज इक्वल टू वन, वन मतलब मोलैलिटी हमको लेना होगा वन, और अब बताए थे कि मोलैलिटी वन एम कब होता है, दैट इज जब वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन वन केजी सॉल्वेंट, और जैसे हम एम का वैल्यू वन पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू वन, यानी देयरफॉर या हेंस के एफ इज इक्वल टू क्या आ गया डेल्टा टी एफ, और यही इसका फॉर्मूला है और यही इसका डेफिनेशन है। हाउ कैन यू डिफाइन द के एफ, तो के एफ क्या है, तो वॉट इज के एफ, इट इज ए कॉन्स्टेंट, सिंपल सा एकदम डेफिनेशन याद करिए, वर्ड पे फोकस करके देखिए सब आ जाए, इट इज ए कॉन्स्टेंट दैट इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इट इज ए कॉन्स्टेंट दैट इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड कंटेनिंग वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब एक मोल सॉल्यूट होना चाहिए एक केजी सॉल्वेंट भी है, दैट इज वन मोलर सॉल्यूशन, सच डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सच डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड केएफ, क्या बोलते हैं केएफ, यानी व्हाट इज केएफ, तो ये कांस्टेंट है लेकिन वो किसके इक्वल होगा, वो कांस्टेंट इक्वल है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, पर कब, जब वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द वन केजी ऑफ सॉल्वेंट, या मोलैलिटी कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का, सच डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड द केएफ, और केएफ का नाम क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब बताए थे जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नया मिले तो उसका यूनिट पढ़ना चाहिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केएफ, खुद से निकालिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या है के एफ इन टू एम, तो हम लिख सकते हैं के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई एम, डेल्टा टी एफ क्या होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब केल्विन, और ये एम क्या है मोलैरिटी, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट पर मोलैरिटी, या मोलैरिटी का क्या बताया थे मोल पर के जी, तो हम क्या लिख सकते हैं और केल्विन केजी पर मोल, यानी जो यूनिट केवी का है वही यूनिट केएफ का भी, बोथ यूनिट आर आइडेंटिकल, जो ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है कि द यूनिट ऑफ केवी एंड केएफ आर सेम, दैट रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन टेम्परेचर एट द पर मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, एक मोल सॉल्वेंट को सॉल्यूट को जब एक केजी सॉल्वेंट में डिप्ले कोई भी हम डिसॉल्व करते हैं जितना टेम्परेचर चेंज हो, अगर बढ़ गया टेम्परेचर तो वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और घट गया टेम्परेचर तो वो क्या था डिप्रेशन इन, यानी जैसे हम कोई भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो अगर ऊपर जाना है तो बढ़ जाएगा और अगर नीचे आना है तो घट जाएगा, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो यूनिट कॉन्स्टेंट है वो कौन है केएफ, और केएफ का यूनिट क्या आ रहा है केल्विन केजी, तो देखिए केएफ हम क्या बताएंगे इस पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, सेकंड एक ग्राम लिक्विड को फ्रिज करने में जितना एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ फ्रिजिंग, यानी मैथमेटिकली हम लोग केएफ का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो केएफ इज इक्वल टू आर इंटू टी नॉट एफ का होल स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय 1000 इनटू एलबी सॉरी एलएफ. व्हाट इज एलएफ? तो हम क्या सिखाया थे, एलएफ का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यानी एक ग्राम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और अब बताया जाए इसी को अगर एक ग्राम के बदले एक मोल ले ले तो उसी का नाम होता है इंथैल्पी. इट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. तब ब्रेन में बहकाना होगा कि हम लोग एक ग्राम के लिए निकालते हैं तो बोलते हैं लैटेंट हीट, और जब हम एक मोल के लिए निकालते हैं तो इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड टू देयर लिक्विड फॉर्म, और इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन वन ग्राम ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड टू देयर लिक्विड. तो अगर हम एक मोल को एक ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एलबी की जगह पे लिख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, की जगह पे लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. क्या लिख सकते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. इसी एलबी को हम यहां पुट कर देते हैं तो फाइनली हमको क्या आ जाएगा, आर इंटू टी नॉट एफ का होल स्क्वायर इंटू एम सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. यही है मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कॉम्पिटिशन में रहता है कभी. और हम बताए थे कि ब्रेन में रखना है कि केबी और केएफ का वैल्यू जब भी लेना है ये एकदम फिक्स करके लेना है पर 1000 ग्राम में. इसका एक न्यूमेरिकल भी हम बताए थे केबी को रिलेटेड, वैसे केएफ में भी कभी कभी आया, कभी कभी इसका वैल्यू दिया रहेगा पर 100 ग्राम, कभी कभी दिया रहेगा पर 500 ग्राम, 20 ग्राम, हमको जब जितना भी वैल्यू दिया हो. लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमको लाना पड़ेगा किसमें, पर 1000 ग्राम, क्योंकि केएफ का डेफिनेशन ही होता है कि वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन द वन केजी ऑफ सॉल्वेंट. तो ये है केएफ, और केएफ का वैल्यू ना हर लिक्विड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा क्योंकि डिपेंडिंग करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट. और सबसे कोई डिप्रेस करता है फ्रीजिंग पॉइंट तो वो है कैम्फर ऑयल ले लो. अगर उसमें हम कैम्फर डिसॉल्व करते हैं तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करता है 39.8. इसको ना रास्ट मैथड कहा जाता है. क्या रास्ट मैथड जो पढ़ेंगे आगे एप्लीकेशन में. तो केएफ का वैल्यू हर लिक्विड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा. तो आप बताए थे कि एक लिक्विड को ब्रेन में बैठाना ही पड़ेगा उसके लिए सब चीज, जैसे टी नॉट एफ क्या होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, वाटर है तो याद रखना पड़ेगा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन. आर क्या है, गैस कांस्टेंट जिसका हम वैल्यू बताए थे कितना लेना है तो 8.314. एलएफ क्या है तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या डेल्फ एफक्यूएस क्या है क्या बताया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. और इसको ना प्रैक्टिकली जब पुट किए तो वाटर के लिए याद रखना है कि केएफ ऑफ H2O कितना 1.86 केल्विन केजी पर लीटर, कितना है 1.86 केल्विन केजी पर लीटर. यानी वी हैव टू रिमेंबर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केएफ फॉर H2O 1.86 केल्विन केजी पर मोल. ये न्यूमेरिकल में दे भी सकता है या न्यूमेरिकल में. अब इसका ग्राफ देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है. तो हम बताए थे ग्राफ के लिए सिंपल है, बस दो टू टूल बार बनाना है. एक साइड ना हम लोग वेपर प्रेशर के कंटेंट को रखते हैं और एक साइड हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर को, और टेम्परेचर ना कंसीडर करते हैं कि कैल्विन में रखते हैं. ऐसे हम डिग्री सेल्सियस में भी रख सकते हैं कैल्विन में, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा. अब हम कैल्विन में रखेंगे तो हम क्या बताए थे कि यहाँ पे स्टार्ट क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन. अब द प्रॉब्लम यहाँ पे सिस्टम्स में प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेपर प्रेशर हम किसी भी लिक्विड का लेंगे, जैसे मान लेते हैं वाटर है, मिल्क है, अल्कोहल है, सपोज करिए कि 30 डिग्री पे इस टेम्परेचर पे हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर, या इस टेम्परेचर
तो मान के चलते कि इस टेम्परेचर पे प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सपोज करिए कि इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड प्योरेस्ट फॉर्म में, लेकिन द प्रॉब्लम ये होता है कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। अब सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर कितना है, अब तो उस समय एक्सपेरिमेंटल समझाने के लिए जीरो कंसीडर किया, हल्का तो जीरो होगा नहीं, बिकॉज सम मॉलिक्यूल ऑफ देयर सब्लिमेट फॉर्म चेंजेस टू द वेपर, तो एक कंसीडर कर लेते हैं कि ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, मतलब ये यही है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ये कंसिडरेशन की। इसी प्लिक में सबको आना होगा बराबर होने के लिए, यानी ये है प्योर सॉल्वेंट और इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ, जैसे अगर फर्स्ट डिविजन होना है तो सबके लिए ग्राफ मेंटेन कर दिया गया 60% कि जिसको फर्स्ट डिविजन क्रॉस करना है वो 60% का जो ग्राफ उसको पकड़ना पड़ेगा, उससे अगर छूट गया बेचारा तो नीचे ही रह जाएगा सेकेंड थर्ड, अगर उसको पकड़ करके क्रॉस कर गया तब फर्स्ट। तो वैसे ही हम लोग को अगर इस लिक्विड को सॉलिड में लाना है तो इसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा, तो क्या कर सकते इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर को इतना है, और हम क्या बता दें कि वेपर प्रेशर को अगर घटाना है तो धीरे धीरे टेम्परेचर घटाना स्टार्ट, और व्हेन यू रिड्यूस द टेम्परेचर जैसे जैसे ठंडा करते जाएंगे धीरे 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 ये लिक्विड, और जैसी व्हेन एवर इट बिकम द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स, मान लेते ये पॉइंट है बी सॉलिड, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या P not. What is P not? It is the freezing point of pure liquid. क्या है? Freezing point of pure liquid. और ये pure solvent है, इसमें pure liquid आ गई। अब हम लोग इसमें ना sugar dissolve करते हैं। When you dissolve the sugar, its vapor pressure is decreased. Consider करते हैं कि vapor pressure घट करके यहाँ आ गया। ये point आ गया C. मान लेते हैं ये 100 का घट करके आ गया 40 पे। लेकिन इसको फिर इसको हमको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, इट इज सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर होना चाहिए किसका, सॉलिड। तो बोले सर परपेंडिकुलर क्यों नहीं मिला, नहीं मिला सकते क्योंकि यहां पे जो टेम्परेचर है, मान लीजिए अभी का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो क्या डायरेक्ट जीरो आ जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्या होगा 40 से पहले 39 होगा, जैसे सुबह गर्मी बढ़ता है तो शाम को बढ़ता है, ऐसा नहीं कि दोपहर में 40 हुआ फिर एक घंटा के बाद डायरेक्ट जीरो आ गया, ऐसा नहीं 40 39 38, वैसे हम लोग टेम्परेचर घटाना स्टार्ट तो घटाएंगे तो वेपर प्रेशर भी घटेगा, इट बिकम कर्व लाइक ऐसे घटते घटते, और जिस टेम्परेचर पे ये टच कर गया किसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, उस पॉइंट को मापते हैं डी और उस टेम्परेचर को निकाल देते हैं it is TF, ये जो point आ गया वो TF, what is TF, it is freezing point of solid, तो पहले देखिए freezing point ज्यादा है कब, जब ये pure liquid है, और जब solution बन गया तो freezing point क्या हो गया, कम हो गया, कितना कम हो गया, अब ये नहीं बोले हम पूछे कितना, तो बोल देना इतना कम हो गया, तो इतना नहीं कितना निकालना है mathematically, तो कैसे निकालेंगे इसी को बोलते हैं डेल्टा टी, तो हाउ कैन यू फाइंड द डेल्टा टी, तो हम क्या बता दें बड़ा टेम्परेचर से छोटा टेम्परेचर को घटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस, और व्हाट इज टी नॉट एफ, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट, व्हाट इज टी एफ, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, और अभी हम जस्ट पढ़े देखिए किस पे डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी, व्हाट इज डेल्टा पी, इट इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, और ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, मोलैरिटी, या याद करिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, और जो चीज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल दैट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं। तो यही इसका ग्राफ। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका ग्राफ, डेफिनेशन और डिटर्मिनेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग को उसका न्यूमेरिकल्स पढ़ना होगा, इसलिए बढ़िया से इसको पढ़ करके ध्यान से वीडियो सबको देखना है, सबको बढ़िया से ध्यान से इस वीडियो को देखना है। और जैसा कि हम बताए थे कि क्वेश्चन चैलेंज का अब राउंड हो गया इस वीडियो के एंड में, अब वो उस क्वेश्चन चैलेंज के लिए आज जो क्वेश्चन है वो ये है। तो आप लोग देखिए क्या क्वेश्चन है कि टू लिक्विड है ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, की दो लिक्विड कंपोनेंट ए और बी को मिलाकर के एक आइडियल सॉल्यूशन बना। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी इज 550, यानी जब 1 मोल ऑफ ए और 3 मोल ऑफ बी को मिलाए तो हम लोग को कितना मिला 550 mm। At the same temperature, if 1 mole of B is added, अब सिर्फ B का एक मोल और मिला दी, added to this solution, the vapor pressure of solution increases by 10 mm, the vapor pressure बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 10 mmHg बढ़ गया। तो करना क्या है, calculate the vapor pressure of A and B in purest A, मतलब purest form में A और B निकालना, यानी P नॉट A फाइंड आउट करना है और P नॉट B फाइंड आउट। और जैसा कि हम लोग ना बहुत मेहनत से बना रहे वीडियो, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और घर में टाइम दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ना टाइम। अगर आप टाइम नहीं देते हैं तो आपने जो भी एम बनाया है उस एम से कुछ नहीं, इसलिए आपको अगर अपना एम पूरा करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम दीजिए। मेरे लिए नहीं, आप अपने आप के लिए टाइम कि हमको एक अच्छे से निकल करके उभर करके सामने आना है, उसके लिए हमको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अपने आप पे काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि छेनी हथौड़ी लिए मार करके काम करना शुरू करना है, मतलब आप में जो जो डिफॉल्ट आ रहा है, क्या क्या मेरे में कमियां हैं, उस कमियां को दूर करने का कोशिश करना, पढ़ने बैठना पड़ेगा कि हाँ अगर नहीं बैठ पा रहे तो स्टार्ट करिए, आज आधा घंटा बैठिए, कल 40 मिनट बैठिए, 45 मिनट, 50 मिनट, ऐसे करके पढ़िए। क्योंकि जितना आप लोग टाइम नहीं देंगे उतना अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको इंस्पायरेशन करने का, ताकि आप टाइम दीजिए और उसको देखिए, हर वीडियो को हर लेक्चर को देखिए और इसलिए क्वेश्चन चैलेंज। तो आज का जो क्वेश्चन चैलेंज है उसको देख करके आप जितने जल्दी से जल्दी कमेंट करना है, यूट्यूब के चैनल पे ही कमेंट करना है, फेसबुक या इस पे कमेंट नहीं करना है, व्हाट्सएप पे, आपको यूट्यूब चैनल के एंड पे जैसे ही आप यूट्यूब चैनल खोलते हैं उसमें होगा गो टू कमेंट, पब्लिक कमेंट, आप उस पे कमेंट, बस सिर्फ आंसर लिखना है कि जो आंसर आपका आएगा किसका आंसर क्या है। तो आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट डे अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे।